तेजश्री भी हमारे साथ हैं और इनका भी एक्सपीरियंस दिल्ली में वैसा ही रहा, बहुत छिड़खानी वहां पर हुई थी। अब दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आधी रात को पुलिस चौकियों पर सन्नाटा पसरा इनको नजर आया। यही नहीं, चौकी के पीछे शराब की दुकानों से पूरी रात शराब बिकती है। तेजश्री ने ये जो रिपोर्ट की है इससे आप समझेंगे कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कैसा है दिल्ली से लगते फरीदाबाद में बेटियों की सुरक्षा का हाल, ये जानने और हकीकत को कैमरे में कैद करने के लिए आज तक संवाददाता तेजश्री पुरंदरे आधी रात के बाद फरीदाबाद के लिए निकली। उनका पहला पड़ाव था ये सुनसान पुलिस बूथ, जहां उन्हें खड़ा देख एक के बाद एक तीन ऑटो वाले आए। वो अंदर बैठ जाने की जिद करने लगे। वेट कर रही हूं। नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं, आप ऐसे घूम रहे हो, अच्छे लगते हैं, बैठ दो। नहीं कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। नहीं कैब बुक कर दी, आती होगी शायद यहाँ से, इसलिए वेट ही कर रही थी। जाना कितने जाना आपको? नोएडा। दीदी आपकी नोएडा कैब आ जाएगी तो जाना पर आपके घर दो, ऐसा अच्छे लगता है आपको पब्लिक देखती हुई जा रही है। रात के वक्त किसी भी लड़की के खड़े होते ही उससे पूछताछ शुरू हो जाती है, लेकिन ये जानना मुश्किल होता है कि पूछने वाले की नीयत अच्छी है या बुरी। लेकिन इस बीच जब एक पीसीआर वैन यहाँ से गुजरी तो हैरानी की बात थी कि वो तेजश्री को अकेला देख भी वहाँ नहीं रुकी। तीन ऑटो वाले मेरे राइट हैंड साइड पर इस वक्त मौजूद हैं, जो लिफ्ट के लिए पूछ चुके हैं। जाहिर सी बात है कि हमें अभी लिफ्ट नहीं चाहिए है, मना कर चुके हैं उन्हें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 12 मिनट से, अब तो 12 मिनट हो चुके हैं, लेकिन पिछले 12 मिनट से यहाँ पर कोई भी पीसीआर वैन हमारे सामने से नहीं गुजरी है, और पीछे जो पुलिस बूथ है वो भी पूरी तरह से खाली है। बड़ी बात यह है कि कुछ चंद सेकंड्स पहले जब मैं यहाँ पर इंतजार कर रही थी, लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, एक पीसीआर वैन मेरे लेफ्ट हैंड साइड से यानी बाएं हाथ से आई और क्रॉस करते हुए निकल सीधा हाईवे की तरफ गई, और उसके बाद कुछ भी उस पीसीआर वैन ने नहीं पूछा ना देखा। यहाँ से हम आगे बढ़े तो कुछ ही दूर पर नीलम चौक आए, वहाँ भी पुलिस की चौकी वीरान थी। उस चौकी के पीछे हमने जो देखा वो भी चौंकाने वाला था। फरीदाबाद की सड़कों पर सुरक्षा के नजरिए से रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारी मौजूदगी एक पुलिस बूथ के सामने है। 500 मीटर की दूरी पर ये दूसरा पुलिस बूथ हमें नजर आया जो पूरी तरह से बंद है। सीसीटीवी तो यहाँ पर लगे हुए हैं, चालू है या नहीं इसका अंदाजा हमें नहीं है, लेकिन इस पुलिस बूथ को देखकर यही नजर आता है कि पुलिस बूथ की व्यवस्था एक मरणासन्न अवस्था में जा चुकी है। ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है, ये वो तस्वीर नहीं है जो बहुत आपको हैरान करेगी, हैरान आपको ये तस्वीर करेगी जो अब हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पीछे जो इस, ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान है, ये जो इसके जस्ट पीछे एक दुकान है, और ये जो दुकान है शगुना, पीछे दिखाइए कि किस तरह की दुकान है। ये जो दुकान है एक लिकर शॉप है, जहाँ पर रात के 2 बजे अवैध रूप से शराब जो है वो मिल रही है। ठेका बंद हो चुका था, शटर गिर चुका था, लेकिन रात के 2 बजे शराब की बिक्री जारी थी। आम लोगों के अलावा पुलिस वाला भी कैमरे में शराब खरीदता कैद हुआ। कुछ देर बाद जब हम शटर के बीच बनी खिड़की तक पहुंचे, हमारी आवाज सुनकर सेल्समैन खिड़की पर आया। मिल जाएगा? हाँ, पेमेंट कैसे लोगे? और वो नहीं है पेटीएम, गूगल पे, कुछ ऑनलाइन पेमेंट है? जब उसने देखा कि कैश देने में दिक्कत है तो उसने स्कैनर दिखा दिया। उसने बताया कि पूरी रात शराब मिलेगी, जब आ जाओ। जब बंद कैमरे के बीच हमने पुलिस वालों से शराब की इस अवैध बिक्री के बारे में बात की तो सुनिए उसका क्या कहना था। कहते हैं जो मानते भी नहीं है वो करते, लेकिन वो बंद हो जाता है जैसे जाती मूवमेंट गाड़ी ना, थोड़ा बहुत तो चोरी छुपे कहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो आटे में नमक समाएगा, इतना कोई आदमी इधर से आए चुपके चोरी छुपके करते हैं करते हैं। ग्राउंड तो है, लेकिन खोल के ना कर, डायरेक्टली खोल के तो नहीं करते, वो जो हम देखते हैं कि चोरी छुपे जो करते हैं वही रहता है।
यहाँ से हम आगे बढ़े तो फरीदाबाद के सेक्टर 19 पहुँचे, जहाँ का एक इलाका पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। फरीदाबाद के सेक्टर 19 में मेरी इस वक्त मौजूदगी है और वक्त हो चुका है 2:40 का। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सेक्टर 19 में किस तरह से अंधेरे में फरीदाबाद के सेक्टर 19 की सड़कें, गलियां, रास्ते और चौराहे डूबे हुए नजर आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़की या कोई भी व्यक्ति इंतजार करता है, तो उसे जाहिर सी बात है कि बहुत डर महसूस होगा, जैसा मुझे इस वक्त यहाँ पर लग रहा है। शगुन, एक बार आप तस्वीरें दिखाइए कि दूर दूर तक जहाँ पर आप नजरें फैलाएंगे वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आएगा। आपको कोई पुलिस की वैन नजर नहीं आएगी, कोई PCR की वैन नजर नहीं आएगी, और ये सब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी आपको बंद नजर आती हैं। एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर चालू नहीं है, और ये केवल इसी रास्ते की बात नहीं है, यहाँ से लेकर वहां तक भी जो हम कह सकते हैं नजारा है एक जैसा है। यानी कि यदि यहाँ पर कि यदि हम फरीदाबाद के सेक्टर 19 की बात करें तो अंधेरे में डूबी हुई हैं ये सड़कें, और यदि हम सिक्योरिटी की बात करें तो दूर दूर तक हाल फिलहाल में अभी तक तो हमें पिछले 20 मिनट से जो हम इंतजार कर रहे हैं कुछ नजर नहीं आया है। ऐसे अंधेरे जहां अपराध को दावत देते, वहीं फरीदाबाद में चोरी छिपे आधी रात को बिकने वाली शराब न केवल ड्रंकन ड्राइव को बढ़ावा देती है, वहीं बहु बेटियों के खिलाफ अपराध की वजह भी बनती रहती है। फरीदाबाद से शगुन और तेजश्री के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोई भी कार्रवाई या ड्यूटी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसको धरातल में, हकीकत में करना चाहिए। और इसी की पड़ताल के लिए कि क्या ये हो भी रहा है या सिर्फ कागजी बातें, कितनी तैनाती पुलिस की है, इतनी तैनाती PCR वैन की है, क्या वाकई है इतनी स्ट्रीट लाइट जिसका दावा, CCTV का दावा, वो सब है या नहीं है, इसीलिए हम चप्पे चप्पे पर आज तक की टीम हमारी पहुंची और पूरी रात हमने मेहनत करके वो रिपोर्ट आप तक लेकर आए हैं। तेजश्री, ये जो रिपोर्ट हमने आपकी देखी, यहां पर भी कमोबेश वही तस्वीर, यहां पर भी स्ट्रीट में लाइट नहीं, शराब धड़ल्ले से बिक रही है, इन्वॉल्वमेंट सभी का, पुलिस वालों के बिना रजामंदी कैसे तो नहीं होगा कि वहां पर वो चल रहा हो। आपने इसको लेकर बात भी की पुलिस वालों से? पुलिस वालों से बात करने के लिए अर्पिता वहां पर पुलिस मौजूद होनी चाहिए थी। हम लोगों ने एक लंबा स्ट्रेच कवर किया, 10-12 किलोमीटर हम लोग गए, लेकिन हमें पुलिस वहां पर कहीं नजर नहीं आई। और आप देखिए, मेरी रिपोर्ट में दो सबसे मेजर चीजें थी। पहले बूथ पर जहां मैं खड़ी थी, वो जाहिर सी बात है कई बूथ आप लोगों को बंद मिले, मुझे वो बूथ बंद मिला, लेकिन जिस बूथ के बाहर मैं मदद के लिए खड़ी थी, कैब का इंतजार करती हुई खड़ी थी, वहीं पर 3 से 4 ऑटो वालों ने मुझे घेर लिया। वॉक थ्रू जब मैं कर रही थी, हर बार कोई ना कोई व्यक्ति आकर बीच में टोक रहा था, पूछ रहा था कहां जाना है, और ये सब हो रहा था पुलिस बूथ के ठीक सामने, जहां पर लिखा हुआ था 24 घंटे 24/7 वी आर देयर टू हेल्प यू। और इसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, जहां पर शराब धड़ल्ले से बिक रही है, आम आदमी तो उसे खरीद ही रहा है, लेकिन रात के 1 से 2 बजे के बीच में 2 पुलिस वाले आते हैं, वो भी वो जो छोटी सी खिड़की है उसमें से जाकर शराब खरीदते हैं, तेज तेज बजाते हैं दरवाजा, वहां से शराब लेते हैं। उसके ठीक 4 कदम आगे एक पुलिस बूथ है, उसकी हालत पूरी डेड है, मरणासन्न अवस्था में वो पुलिस बूथ पड़ा हुआ हमें नजर आया, अंधेरा है, कोई CCTV नहीं है। तो ये किससे हम मदद मांगे? शराब की दुकान सरेआम खुल रही है, पुलिस वाले लेने आ रहे हैं, और उसके ठीक आगे जो है पुलिस बूथ हमें नजर आ रहा है जो पूरी तरह से बंद है, तो हम मदद मांगे तो आखिर किससे मांगे? तीसरी तस्वीर हमने दिखाई, चारों ओर अंधेरा। मैं जब वहां गई तो मुझे डर भी लग रहा था कि हम कितनी देर वहां पर खड़े रहे, कितनी जल्द से जल्द कोशिश कर रहे थे कि वहां पर से हम निकले, कैसे निकले हम? कोई लड़की यदि वहां पर खड़ी रहती, मेरी जगह कोई और, हम लोग तो सब फिर भी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, कोई और होती तो जाहिर सी बात है उसे भी वहां पर डर लगता, क्योंकि वहां पर अंधेरा था। और कोई लड़की यदि रात को, जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, रात के 12 बजे के बाद घर से निकलती है, तो क्यों उस पर हमेशा एक सवाल, क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा किया जाता है? पुलिस वालों से जब हमने बात की, उन्होंने क्या बोला, जब हमने उनका भी स्टिंग किया तो उन्होंने यही बोला कि मैडम यहां पर तो कुछ ना कुछ तो खुला रहेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा, क्यों मिलेगा? यदि यहां पर लापरवाही होगी तब इस तरह की घटनाएं जो हम देखते हैं, निर्भया की घटना जो 31 दिसंबर को हमने न्यू ईयर केस में जो देखा, अभी जो जिस बेटी की दर्दनाक मौत हुई, इस तरह की घटनाएं तभी होती है जब छोटे छोटे स्तर पर जो है लापरवाहियां होती हैं।